हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेंट जेविवा। लेट्स डिकोस द साइंस ऑफ लिविंग। दिस इज़ योर एडुकेटर सुगन शर्मा। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कोलेजन प्रोटीन। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ कोलेजन प्रोटीन। सिंपल एंड कॉन्जिगेटेड प्रोटीन हम देख चुके हैं और कोलेजन भी देख चुके हैं। तो उसका अगर समरी देखें कि हाउ कोलेजन विल सिंथेसाइज, तो कोलेजन का सिंथेसिस कहाँ जनरली शुरू हो रहा है? कोलेजन सिंथेसाइज हो रहा है ER से, जो मेम्ब्रेन बाउंड हम बोलते हैं राइबोसोम है, वो सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। फिर उस कोलेजन जिससे मिलकर बना है, जो हमने बात की थी ट्रोपोकोलेजन से बना है, एंड ट्रोपोकोलेजन इज़ मेड अप ऑफ 3 अल्फा चेन। तो वो अल्फा चेन एंटर कर जाती है इनटू द ER ल्यूमन। वहाँ पर वो क्या करेंगी, एक दूसरे से कॉइल होकर हमारा क्या बना लेगी, ट्रोपोकोलेजन बना लेगी। एक दूसरे से कॉइल होंगी या फिर रैप अप होंगी राइट हैंडेड मैनर में, राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करेंगी। फिर ये क्या रिलीज़ कर दी जाएंगी, ER से चली जाएंगी ये गॉल्जी के पास। तो गॉल्जी के पास जाने के बाद यही जो हमारा ट्रोपोकोलेजन है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल, ये सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में कहाँ रिलीज़ होगा, सेल के बाहर। ये जो सेल के बाहर वाला एरिया है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू द एक्सोसाइटोसिस ये जो हमारे ट्रोपोकोलेजन कैरी कर रहे हैं, ये सिक्रीट हो जाएंगे आउट ऑफ द सेल, क्योंकि एट लास्ट इनको कहाँ जाना है, EC मैट्रिक्स में जाना है। वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो हमारे ट्रोपोकोलेजन है दे विल फॉर्म क्रॉस लिंक, मतलब एक दूसरे से बाउंड होंगे क्रॉस लिंकिंग के थ्रू, या फिर आपस में भी इनमें क्रॉस लिंकिंग मिलेगी। तब ये क्या बना लेंगे, हमारा एक कोलेजन फाइब्रिल बना लेंगे। तो ये सिंथेसिस कहाँ हो रही है, जो कोलेजन फाइब्रिल बनने की सिंथेसिस, ये हो रही है सेल के बाहर यानी EC मैट्रिक्स में हो रही है। तो कोलेजन सिंथेस जो हम बोलते हैं कि क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हो रही है, वो कैसे फॉर्म होती है कि जो हमारे ट्रोपोकोलेजन है वो दो तरह से क्रॉस लिंक फॉर्म कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर हम बोलेंगे इंट्रा लिंकेज, इंट्रा क्रॉस लिंकेज या फिर इंटर क्रॉस लिंकेज। तो इंट्रा में क्या होगा, विद इन ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल, ये जो हमारे 3 अल्फा चेन है इन्हीं के बीच में क्या होगी, आपस में क्रॉस लिंकिंग होगी। और इंटर में क्या है कि एक कोलेजन फाइब्रिल ये है, एक सॉरी ट्रोपोकोलेजन ये है एंड दूसरा ये है, तो इनके बीच में हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगी। तो इनके बीच में कैसे फॉर्म होती है, जो इंट्रा है, जो हमारे अल्फा चेन है उन पे होते हैं लाइसिन रेसिड्यूज, जो दो भी अल्फा चेन होंगी उनके जो लाइसिल रेसिड्यूज़ हैं, जो हम बोलते हैं लाइसिन, लाइसिन पे क्या होता है एक एप्साइलन या हम बोलते हैं R ग्रुप, जो भी साइड चेन होती है उस पर क्या होता है अमाइनो ग्रुप होता है, उस अमाइनो ग्रुप को क्लीव कर दिया जाता है विद दी हेल्प ऑफ लाइसिल ऑक्सीडेज, उसकी वजह से हमारे क्या जनरेट हो जाते हैं L-lysine। अब ये जो L-lysine जनरेट हुए हैं दो चेन्स के, ये आपस में थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन, जो क्या है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू दे विल क्रॉस लिंक टू ईच अदर एंड फॉर्म दी, हम बोलेंगे कि कोलेजन फाइब्रिल फॉर्म करने में हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ जो इंटर क्रॉस लिंकिंग है, इसमें क्या होता है हमारा हाइड्रोपाइरिडीनियम कुछ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, किसकी हेल्प से, एक लाइसिल रेसिड्यूज की हेल्प पे और टू हाइड्रोक्सी लाइसिन ग्रुप की हेल्प से। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे ट्रोपोकोलेजन है एक दूसरे से क्रॉस लिंक फॉर्म करके मल्टीपल इस तरह से बंडल फॉर्म हो जाएंगे, जैसे हमने स्ट्रक्चर शुरू में भी देखा है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा कोलेजन फाइबर का, जो किससे बना है हमने देखा, ये क्या है हमारे ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, इस तरह के बंडल फॉर्म कर रहे हैं जो कोलेजन फाइबर बन रहा है। और सिंथेसिस कहाँ हो रही है, EC मैट्रिक्स में हो रही है। तो क्विक समरी यही है कि हमारे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है ये सिंथेसिस कर रहे हैं अल्फा चेन, 3 अल्फा चेन सिंथेसाइज करेंगे और फिर ये अल्फा चेन एंटर करेंगी इनटू द ER ल्यूमन। वहाँ पर क्या होगा, इनका हाइड्रोक्सीलेशन होगा वही लाइसिन और प्रोलिन रेसिड्यूज पर। जो अल्फा चेन थी हमारी रिच थी कौन से सिक्वेंसेस से, GXY, जहाँ पर जी था ग्लाइसिन, एक्स था प्रोलिन एंड वाई था हाइड्रोक्सीप्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सीलाइसिन। हाइड्रोक्सीलेशन होने के बाद इन पे किया जाता है ग्लाइकोसाइलेशन, यानी एक ओलिगोसेकेराइड का चेन का अटैचमेंट किया जाता है ऑन दी लाइसिन रेसिड्यूज। अब ये तीनों अल्फा चेन आपस में कॉइल होके हमारी क्या फॉर्म करेंगी, दे विल फॉर्म अ ट्रोपोकोलेजन।
अब ये ट्रोपोकोलेजन ही इन दी फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल गॉल्जी से रिलीज होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर जाएगा, देन ईसी मैट्रिक्स में पहुंचकर यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगी बिटवीन दी ट्रोपोकोलेजन जो हमने अभी पढ़ी है, इंट्रा या फिर इंटर काइंड ऑफ दोनों हो सकती हैं, और एग्रीगेट होके दे विल फॉर्म अ कोलेजन फाइबर। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, कोलेजन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी सेल के बाहर आने के बाद। सिर्फ ईआर में क्या हो रहा है, ईआर के ल्यूमेन में हमारी अल्फा चैन सिंथेसाइज हो रही है एंड आपस में कॉइल्ड होकर क्या फॉर्म कर रही है, ट्रोपोकोलेजन फॉर्म कर रही है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।